इस्लाम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, पहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल ने ये शेर यूं ही नहीं लिखा, बल्कि यही हकीकत है। सियासत और सोशल मीडिया कुछ भी परोस जाए, लेकिन वास्तविकता में इक्का दुक्का को छोड़कर हर एक भारतवासी प्रभु राम को इमाम ए हिंद मानता है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो या मुसलमान। और नाथ नगरी बरेली के दानिश इस शेर को सही साबित करने वाले जीते जागते उदाहरण है। बरेली में रंगमंच की दुनिया में दानिश खान नहीं कहे जाते, बल्कि लोग उन्हें राम कहकर संबोधित करते हैं। इसके पीछे एक वजह भी है, दानिश लगातार 13 साल से रंगमंच और रामलीला में राम का किरदार निभा रहे हैं। वैसे तो दानिश एक पूर्ण थिएटर आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब भी वो राम के किरदार में नजर आते हैं तो उनकी प्रस्तुति अभिनय के चरम पर होती है। नमस्कार, मेरा नाम दानिश है और मैं एक थिएटर लर्नर हूँ, जो कि पिछले 14-15 सालों से थिएटर सीख रहा हूँ। और मेरी, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी पहचान अब बरेली में राम जी के नाम से पड़ गई है, क्योंकि मैं बरेली में रामलीला करता हूँ जिसमें राम जी का कैरेक्टर करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। अब सारा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रामलीला में क्या प्रिपरेशन रहती हैं आपकी, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरा प्रिपरेशन का थोड़ा सा फ़र्क तरीका है, जैसे सबका फ़र्क होता है। जैसे ही रामलीला मेरी स्टार्ट होती है, जिसने हम सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं करीब 40 दिन पहले से, तो 40 दिन से ही मैं अपना सारा मीट वगैरह और या जो भी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए इन जनरल लाइफ में भी, लेकिन हम ह्यूमन हैं तो करते रहते हैं, मैं वो 40 दिन तक पूरी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। कोशिश करता हूँ कोई गलत बात ज़ुबान से अदा ना हो, बैठूँ ना, उठूँ ना, बात ना करूँ किसी ऐसे ऐसी, और उसका असर आपको अपनी एक्टिंग में मिलता है। और आपको वर्क करना होता है अपनी चाल पर, मैं करता हूँ स्पेशली अपनी चाल पर वर्क, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल कैजुअल तरीके से रहते हैं, लेकिन जब वो रामलीला का प्रोसेस आता है, जब उस प्रोसेस में जाता हूँ मैं, तो फिर एक आपको पता होता है कि आपका स्ट्रक्चर आपका सीधा रखना है, आपको बिल्कुल एकदम सीधे रहना है, हर टाइम चेहरे पर स्माइल रखनी है। आप वैसे इन जनरल तो नहीं रह सकते वैसे, लेकिन चेहरे पर स्माइल रखनी है। वो 40 दिन तक कंटिन्यू वो छूट जाती है, बीच में चीज़ें कभी चेहरे से स्माइल चली गई, कभी आपके शोल्डर डाउन हो गए, लेकिन नहीं, आपको पता है कि आपको इस प्रोसेस में आना है और आपका शो अभी कुछ दिन बाद आपका शो है, तो आपको वैसे ही उस प्रोसेस में रहना है कंटिन्यू। तो मेरी वॉक पर मैं अपने काम करता हूँ, मैं अपने डिक्शन पर काम करता हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करता हूँ। और स्पेशली क्या होता है, जब रामलीला जितनी जितनी करीब आती जाती है तो उतना आप फोकस होते रहते हैं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल फोकस के नहीं करना है और मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे ध्यान देना है। और फिर जब वो लास्ट में रामलीला का दिन आता है, तो फिर एक तरीके से एकाग्रता के साथ आप आराम से, इतने वक्त तक आपने जितनी राम जी की कहानियाँ हैं, मैंने वैसे तो बहुत राम जी को नहीं पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी रामलीला के बारे में, जो भी राम जी के बारे में मुझे सोशल मीडिया से मिलता रहता है, और अपना फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी मैं जो सर्च कर सकता हूँ उसको सुनता हूँ बहुत ध्यान से, तो उससे कैरेक्टर बिल्डअप करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। और जो फाइनल डे होता है मेरे रामलीला का, तो जब मेकअप होता है तो ऐसा लगता है कि आप बस अब आप बादशाह हैं। अब वो एक फील होता है ना कि आपका मेकअप हो रहा है, आपका राज है ये सारा, आप सिंहासन पे बैठेंगे, तो वो एक ऐसा जो मतलब फील आता है वो, हाँ। और सब कुछ बदला सा मेरे अभी भी गूज बम्प आ गए हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है। दानिश की माने तो राम का किरदार निभाने के बाद ऐसा लगता है कि राम उनके दिल में उतर गए हैं, राम की सहजता, शालीनता और विनम्रता को खुद महसूस करते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज भी प्रभु राम की तरह ही हो जाती है। थिएटर, मैंने एक फिल्म का ऑडिशन देने गया था, शुरू में मुझे थिएटर का शौक तो था ही, मतलब थिएटर का शौक नहीं था, मुझे हीरो बनने का शौक था। जैसे सबके घर वाले कहते हैं, हर माँ की नज़र में अपना बच्चा हीरो होता है, तो मेरी माँ भी कहती थी कि अरे बेटा, मेरा बेटा तो हीरो है। तो मुझे लगता था कि मैं सच में हीरो हूँ। तो एक दिन ऑडिशन हो रहा था एक फिल्म का बरेली में, तो मैं ऑडिशन देने गया, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए। जब स्क्रिप्ट दी तो मैं, मतलब बातों में हीरो था, अपनी माँ की नज़र में हीरो था, और जो लोग कहते थे उनकी नज़र में, तो मैं 4 लाइन नहीं बोल पाया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा आप थिएटर कीजिए। तो तब मुझे थिएटर का कुछ नहीं पता, टीवी नहीं पता था, उन्होंने कहा थिएटर में एक्टिंग सिखाई जाती है। तो फिर बरेली में, मतलब मज़ेदार बात देखिए, बरेली में
थिएटर मैंने सेठ गिरधारी लाल के मंदिर से स्टार्ट किया है और राकेश श्रीवास्तव जी मेरे गुरु हैं और उनके पास मैं गया करीब 3-4 साल मैंने उन्होंने मुझे थिएटर सिखाया। और इसमें भी देखिए ना, मैं मतलब दानिश हरिलाल का मंदिर शामतगंज में गया, मतलब मेरा डेब्यू ही वहाँ से हुआ, तो वहाँ से एक मेरी जर्नी जो बनी है वो अभी भी चल रही है। और उसके बाद मैंने थिएटर बहुत किया, उसके बाद मैंने बैंगलोर थिएटर किया, बरेली थिएटर किया, दिल्ली थिएटर किया और हरियाणा किया, मतलब ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि इंडिया की बहुत सारी जगह थिएटर किया है। क्योंकि डॉक्टर विजेश्वर सिंह का जो रंगविनायक रंगमंडल है, वो उनकी बदौलत हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने, उनके अंडर में हमें सीखने का मौका मिलता है और हम करते हैं परफॉर्मेंस, जिससे मतलब एक ये तो है कि बरेली में थिएटर सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लेकिन जो एक उनसे समझ आता है कि आप जो प्रोफेशनल थिएटर करते हैं, जो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो टीचर्स आते हैं, उनमें और हमारे बरेली के थिएटर में क्या फ़र्क है। तो शायद यही वजह है कि शायद थोड़ा सा डिफरेंस बरेली के थिएटर में और हम लोगों के काम में, मतलब हम भी बरेली के ही हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क दिखता है। हमारी सहूलतें हैं हमारे पास, इसमें हमारा मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम क्रेडिट, डॉक्टर साहब को भी हमारा क्रेडिट है क्योंकि उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, तो उनकी बदौलत हमारे पास इतने इतने अच्छे गुरुज रहे हैं, इतने अच्छे गुरु रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ सीखा। और आज बरेली में रंगनायक का नाम है बरेली के आसपास भी, और बरेली से निकल के लोग अब सबसे अच्छी बात ही कि फिल्मों में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ थिएटर में काम कर रहे हैं और कुछ सीरियल्स में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पैशन तो मुझे अभी तक तो मेरा थिएटर ही है और थिएटर के अलावा मुझे लगता नहीं कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। अब ऐसे होता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, सच्चाई तो ये मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा थिएटर के अलावा। जिस शख्स ने 14-15-16 साल थिएटर किया हो, उसके अलावा कुछ ना किया हो, थिएटर खाया पिया जिया सोया उठा बैठा लेटा नहाया सिर्फ थिएटर में, और अब मुझे लगता है कि यार मैं काम करूँगा यार मुझसे होगा नहीं कुछ, तो बात सच है कि सच्चाई ये थिएटर में मुझसे होगा नहीं। अगर वक्त कराता है तो वो भी एक्टिंग करेंगे एक जिंदगी की, वो भी एक अलग स्टेज होगा, अलग लाइफ। दानिश जब राम के रूप में रंगमंच पर आते हैं तो साफ झलकता है दानिश राम के रूप में रच बस गए हैं, और जब वो कैरेक्टर प्ले करने के बाद रियल जिंदगी में होते हैं तो लगता है राम दानिश में रच बस गए हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रभाव।